गाड़ी बहुत महंगी है, कितने की कॉस्ट पड़ती है सर इस गाड़ी की? ये करीब उस टाइम पे 30 लाख की पड़ी थी। 30 लाख की गाड़ी है? 2017 का मॉडल बताया था आपने जी। पेट्रोल पे तो माइलेज इसकी बहुत बेकार होगी सर। हाँ, उस टाइम पे जब लिया था पेट्रोल के रेट काफी कम थे, धीरे धीरे पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए, माइलेज उतना ही रहा। कितनी ड्राइव होती गाड़ी डेली आपकी सर? ये दिन की करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, तो एक अगर लमसम आइडिया लगाते हैं तो बजट तो काफ़ी हिल जाता होगा सर, क्योंकि माइलेज काफ़ी कम है इसकी। हाँ, महीने का पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। अब जब से आपने CNG लगवाई है कितना कुछ आप कंट्रोल कर पाए अपने बजट पे? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज प्रमोद एंड वी आर इनटू CNG बिजनेस सिंस 2011। तो गाइस, जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ये है होंडा की CRV, जो कि 2.4 लीटर का इंजन है। और ये गाड़ी जो है ये एक सपना होता है, इतनी लग्जरी गाड़ी है, बट कहीं ना कहीं हम कितना भी हमारी इनकम क्यों ना हो, जब इसको पेट्रोल पर ड्राइव करना होता है तो जेब बहुत टाइट हो जाती है। क्योंकि माइलेज की अगर बात की जाए तो पेट्रोल पे माइलेज का सिटी में 6 से 7 का आता है, और हाईवे पे अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो इसका 8 से 10 के बीच में माइलेज आता है। क्योंकि ये 2.4 लीटर का इंजन है और ये ऑटोमेटिक वर्जन है। इस कार के जो ओनर हैं वो बहुत परेशान थे इस पेट्रोल की माइलेज को लेकर। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास विज़िट किया, तो मैंने इनको बोला कि CRV है तो 2.4 है तो इसमें अप्रूवल्स नहीं है। तो उन्होंने बोला मुझे अप्रूवल्स की फ़ाइट नहीं है, मुझे गाड़ी को ड्राइव करना है। तो CNG पे कितनी माइलेज निकल के आएगी? तो मुझे लगा कि ये गाड़ी अगर पेट्रोल पे 6 का माइलेज देती है तो CNG पे 50% जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइक होती है तो वो 10 से 11 का माइलेज निकाल के देगी। आज ये गाड़ी मेरे पास 2000 किलोमीटर चल के आई है। टोटल जो है वो गाड़ी आज की रेट में 32,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है। 30,000 पे इन्होंने किट लगवाई थी, तो 2000 किलोमीटर की जो जर्नी है वो हम इस कार का एक जो फीडबैक है जो ओनर आए हुए हैं उनसे पूछेंगे। इनको कल लंबे सफ़र पे जाना है, एक बार चेक कराने आए थे कि गाड़ी जो है वो कोई लीकेज तो नहीं है, सारे सब जो स्क्रू हैं वो सब टाइट हैं। वैसे वन टाइम फिटमेंट होती है, अगर आपने बहुत अच्छा ब्रांड चूज़ किया है तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइज, इस गाड़ी के अंदर हमने लोवेटो लगाया है और लोवेटो का जो टॉप वर्जन आता है COBD2 लगाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। तो फिटमेंट की अगर बात करते हैं तो फिटमेंट के हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स हैं। फिटमेंट बहुत अच्छी की है इस गाड़ी के अंदर, पूरा के पूरा ट्रिपल लेयर यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा हुआ है। ये इसका रिड्यूसर है, 4 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये 2 टाइप इंजेक्टर्स हैं लोवेटो के अंदर। पीछे की तरफ आप देखिएगा ECM लगा हुआ है, 48 पिन का ECM है। तो कस्टमर ने बहुत अच्छा खासा इसमें किट को चूज़ किया है और यहाँ पर ये कंप्लायंस प्लेट भी लगी हुई है। पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे जो सिलेंडर है वो कितना बड़ा सिलेंडर है, कितना स्पेस बचा है। अगर हम बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो हमने कोशिश करते हैं इसमें बड़ा सिलेंडर लगाने की, तो हमने इसके अंदर 14 kg का सिलेंडर लगाया है। 14 kg का सिलेंडर लगाने के बाद बूट स्पेस बहुत अच्छा बचा है, ये इनका गाड़ी का ही पार्ट है और बहुत अच्छा खासा स्पेस बचा है। जो ट्रे नीचे की तरफ है वो उसकी कटिंग कराई है हमने, हमारे लड़कों ने ही प्रॉपर कटिंग करके दी है। मतलब फील कराया है इसके अंदर कि जो किट लगाने के बाद भी जो 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 पीछे का जो स्पेस है वो भी बहुत मैटर करता है। और मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ किस टाइप का इसका स्विच है। गाड़ी जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर मैं देखता हूँ, कार मैंने स्टार्ट कर दी है और डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं जो कार है 32,179 किलोमीटर चल चुकी है। स्विच की तरफ देखते हैं, स्विच जो है वो गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ टाइम पर ये पेट्रोल पे रहती है, जब गाड़ी का टेम्परेचर प्रॉपर हो जाता है, टाइमिंग मैच हो जाती है तो गाड़ी पेट्रोल टू CNG कन्वर्ट हो जाती है और ये CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये अंदर से हमने दिखा दिया आपको कि स्विच कहाँ लगाया हुआ है इसका, कितनी चल चुकी है। अब इस कार के जो ओनर हैं उनसे भी एक बार हम फीडबैक लेके देखते हैं कि गाड़ी जो है एक्चुअली में CNG लगने के बाद कितने किलोमीटर चलती है, क्योंकि 2.4 लीटर का इंजन है, काफ़ी बड़ा इंजन है और CNG जो गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस जो है, इसकी माइलेज पेट्रोल से बहुत निकल के आती है। वैसे थमरूल बोलता है कि 40 से 50% बढ़ती है, जितने भी CNG डीलर्स हैं वो यही बोलते हैं, बट कस्टमर्स का मानना कुछ और है।
तो मैं चाहूँगा जो इस कार के ओनर हैं वो आएँ और अपना एक फीडबैक शेयर करें, सो दैट जो CRV गाड़ी ड्राइव करते हैं वो भी एक डिसीजन ले सकते हैं। सर, आपका इसी ड्राइव में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप आएँ और अपना एक फीडबैक शेयर करें, क्योंकि आपके इस गाड़ी में किट लगाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि माइलेज पेट्रोल पे 6 से 7 का माइलेज सिटी में निकाल के दे रही थी गाड़ी, और पेट्रोल CNG पे कितना माइलेज बढ़ गया है वो आप ही बता पाएंगे। 2000 किलोमीटर का आपने सफ़र कर लिया है CNG का जी। सिटी में अगर जहाँ बहुत ट्रैफिक कंजेशन हो तो उस हिसाब से एवरेज करीब एक। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या नाम है सर आपका? मैं गुरु महेश शर्मा हूँ, यही गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। कब लगवाई थी आपने CNG? ये CNG करीब लगाई थी एक महीना पहले। ठीक है, और आपकी जब गाड़ी में CNG लगाई थी, जैसा कि मैं डैशबोर्ड में देख पा रहा हूँ 32,000 चल चुके, 30,000 के फिगर पे आपने CNG लगवाई थी। हाँ, और आपने किट भी बहुत अच्छी चूज की थी, लोवेटो का COPD2 वर्जन चूज किया था जी। गाड़ी बहुत महंगी है, कितने की कॉस्ट पड़ती सर इस गाड़ी की? ये करीब उस टाइम पे 30 लाख की पड़ी थी। 30 लाख की गाड़ी है। हाँ। 2017 का मॉडल बताया था आपने जी। पेट्रोल पे तो माइलेज इसकी बहुत बेकार होगी सर। हाँ, उस टाइम पे जब लिया था पेट्रोल के रेट काफी कम थे, अब धीरे धीरे पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए, माइलेज उतना ही रहा। कितनी ड्राइव होती है गाड़ी डेली आपकी सर? दिन की करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, तो एक अगर लमसम आइडिया लगाते हैं तो बजट तो काफ़ी मिल जाता होगा सर, क्योंकि माइलेज काफ़ी कम है इसकी। हाँ, महीने का पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। अब जब से आपने CNG लगवाई है, कितना कुछ आप कंट्रोल कर पाए अपने बजट पे, क्या माइलेज आपको निकाल के देती है? हमने इसमें 14 किलो का सिलेंडर लगाया है, 8, 8.5, 9 किलो गैस आती होगी इसके अंदर। आप सिटी के अंदर कितना किलोमीटर चला लेते हैं इस गाड़ी को, और कभी अगर हाईवे पर लेके गए हैं तो आप कितनी चल रही गाड़ी है? मोस्टली तो ड्राइव सिटी में ही रहती है, रोज़ की कम से कम 50-55 किलोमीटर तो रहता ही है, तो उसमें ये एवरेज करीब दे देती है आराम से 14-15 का। 14-15 का एवरेज? हाँ, 130-135 किलोमीटर चल जाती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, क्योंकि हमारा मानना है CNG में 40-50% बढ़ता है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने देखा है, बट एक्चुअली में देखा जाए, प्रैक्टिकल बात की जाए, तो ये माइलेज तो आपकी डबल से भी ज़्यादा हुई। हाँ, क्योंकि पेट्रोल पे 6 की माइलेज देती है तो CNG पे इसको 9 की देनी चाहिए, बट आपने बोला 14-15 की माइलेज आ रही है। हाँ, यानी एक सिलेंडर पे 125-30 चलती है आपकी गाड़ी। हाँ, हाईवे पे जब लेके जाते हैं तो माइलेज कितनी बढ़ी है सर? हाईवे पे मैं 1-2 बार जा चुका हूँ, तो उसमें करीब मैक्सिमम जो इसकी रेंज गई है वो 168 किलोमीटर। 168 फुल CNG पे, फुल करा के जब मैं गया 20 पहुंच गया सर आपका तो। हाँ, तो हाईवे पे इसकी रेंज करीब 155-170 किलोमीटर में मान के चलता हूँ। अगर आप चलाएं अच्छे से 90 की स्पीड पे 80 की स्पीड पे चलाएं, तो उस पर बेस्ट एवरेज ही आता है गाड़ी का। सर, पिकअप पे कितना फर्क पड़ा है? बिकॉज 2.4 है जो पिकअप पे फील है इस गाड़ी का, वो तो पेट्रोल का एक अलग ही फील है सर। नहीं, कुछ तो कम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा CNG में आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला। मतलब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इसमें CNG लगी है या नहीं लगी। अच्छा, तो उतनी ही बढ़िया चलती इतनी बढ़िया पेट्रोल पे। 19-20 का फर्क भी आप शायद पकड़ ना पाए। अच्छा, अगर किसी को ना पता हो इसमें CNG लगी है तो वो नहीं बता पाएगा। ओके, तो ये तो रहा कि होंडा CRV जो है 2.4 लीटर का इंजन है, माइलेज में बहुत अच्छी निकल के आई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आई है। तो गाइज, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।